साहिबगंज में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बरहरवा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रदीप उराव ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि 26 फरवरी 2022 को बजल मुर्मू ने बरहेट थाना में एक लिखित आवेदन दिया कि उनकी 5 वर्षीय पुत्री के साथ मंद्रिया हिमरन ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस संदर्भ में बरहेट थाना कांड संख्या 14/22 धारा 376 एवं पोस्को एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी अभियुक्त की त्वरित गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बरहवा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम के सदस्यों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त मंद्रिया हिमरम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार किया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए अरविंद कुमार की रिपोर्ट। आदि की एक नाबालिग बच्ची जो अपने ननिहाल आई थी और ननिहाल के बगल में एक गांव है सोहराय पर्व देखने गई थी, उसके पश्चात संध्या में लौटी नहीं तो पिताजी और गार्जियन के द्वारा खोजबीन के क्रम में अपनी बेटी को मिला। उसके पश्चात वादी द्वारा एक लिखित आवेदन 26 फरवरी को बरहेट थाना में दिया गया, जिसके आधार पर बरहेट थाना कांड संख्या 14/22 26/22 को IPC की धारा 376 और पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी अभियुक्त मंदरिया हेमरोम पिता राजा हेमरोम ग्राम डुगू बथान थाना बरहेट जिला के विरुद्ध कांड दर्ज की गई और अग्रतन अनुसंधान के क्रम में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे इंस्पेक्टर साहब और थाना प्रभारी के द्वारा 24 घंटा के अंदर अभियुक्त को पकड़ा गया। पकड़ने के पश्चात उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि हमने घटना कारित किया गया है और जिसे विधिवत रूप से गिरफ्तारी कर जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है।